स्वरूप को या बोधा बोध स्वरूप को, बोध स्वरूप मानने वाले मुख्य रूप से आर्थिक दर्शनों में देखा जाए तो अद्वैत वेदांति है। हम उन्हीं से आज इस चर्चा का आरंभ करेंगे। हम परमाचार्य आचार्य हरसनाथ द्विवेदी जी से जो जयपुर से इस कार्यक्रम से बता रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि अद्वैत वेदांत पक्ष में प्रमाण से ज्ञान रूपता कैसे सिद्ध होती है उसे। और
भगवान शब्द अर्थ से प्राप्त थे कि ज्ञायते अनेन प्रकाशते ला अनेन इति अर्थम अथवा प्रकाशते जो असम से अर्थ अनेन नहीं नहीं तो उसका अर्थ लिखा है उसमें कि ज अर्थ विज्ञाने जेन रूपे प्रकाशते तत्परमा अर्थात जेन यथावस्थित अर्थम प्रकाशते तत्प्रमाणम केन प्रमया भी यथार्थ प्रकाशते अथवा साधने ना भी यथार्थ प्रकाशते पश्चासन संबंध प्रमा अर्थ में जब प्रमाण शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ के साथ साक्षात भाषपद संबंध है साक्षात प्रकाश और जब प्रमा के साधन चक्षुरादि इंद्रियों में प्रमाण का लक्षण ले जाएंगे तो साक्षात्कार जो ये विषय है तत्साधनत्व न परम्परया इति वक्तव्य परम्परया उसमें ले जाए तो यथार्थत्व ये ऐसा प्रमाण सामान्य का लक्षण किया हमारे विचार विचार करने में जो की क्या जरूरत है प्रमाण शब्द का प्रयोग तो लोक में प्रमा में ऐसा प्रसिद्धि नहीं उन्होंने वहां बताया कि लक्ष्मी ज्ञान में ईश्वर के ज्ञान में प्रमाण का प्रयोग कैसे होगा यदि ऐसा नहीं करते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम इत्येव लक्षणम स्यात् ईश्वर ज्ञान नित्य होता है उसमें प्रमाण का लक्षण कैसे जाएगा किसी परमा को जन्म करे तब तो प्रमाण देगा परमा जन्म का तो प्रमाणम प्रमा या साधन प्रमाण तो कहें ईश्वर ज्ञान सब प्रमाणों का साधन है क्यों नहीं जाएगा जाएगा किंतु इसीलिए कहीं कहीं प्रमाण साधनम प्रमाणम जब ये लक्षण करते हैं तो प्रमा का साधन प्रमा सत्य ईश्वर का ज्ञान पकड़ेंगे उसका कोई साधन है नहीं ये प्रमाण का लक्षण ईश्वर ज्ञान में नहीं जाता प्रमाकरण प्रमाणम जब प्रमाण प्रमाण का लक्षण करते हैं तो इनके ज्ञान ईश्वर में नहीं जाता तो उसमें प्रमाण संगमन कैसे होगा वैसे लक्ष्मी ज्ञान गुरु जी के भाषा है यहाँ ईश्वर ज्ञान ही दे ईश्वरीय के ज्ञान प्रमाण है उसमें प्रमाण का लक्षण कैसे जाएगा और यथार्थत्वम प्रमाणत्वम करते हैं तो वो लक्षण चला जाएगा यदि सामान्य लक्षण प्रमाकरण प्रमाण यही मान तभी ये जन्य ज्ञानों के लिए लक्षण है नित्य ज्ञान के लिए लक्षण नहीं तो प्रश्न होगा कि नित्य ज्ञान प्रमाणम बा अप्रमाणम बा ईश्वर का ज्ञान प्रमाण है कि अप्रमाण है उसके लिए प्रमाण से प्रमाण इसी से जन्म जन्म उसका होता हो इसीलिए प्रमाण होगा ऐसी बात नहीं ईश्वर प्रमाण है तो उसका ज्ञान भी नित्य प्रमाण फिर भी यदि सामान्य लक्षण की जिज्ञासा है यह तो यथार्थत्वम वा अर्थप्रकाशत्वम वा प्रमाण का सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है संबंध अर्थप्रकाशत्वम कहेंगे तो परमा में साक्षात जाएगा विषय विषय और साधन में जो है तब द्वारा जाएगा इस तरह से सामान्य लक्षण अनुगत लक्षण बनाए अब यह प्रश्न है कि जब प्रमाण प्रमाण तब साधन दोनों प्रमाण बोधि में आ गए तो प्रमाण बोधात्मक है कि अबोधात्मक इसकी जिज्ञासा तो बेकार करनी यदि उसके साधन छोटी में जाएगा तो अबोधात्मक होगा जब चुरादी इंद्रियों में अब इधर आएगा यदि प्रमाण में प्रमाण का लक्षण ले जाना चाहते हैं तो प्रमा बोध स्वरूप बोध कहते हैं ज्ञान इस पर थोड़ा सा विचार कर कि किसके मत से प्रमा जो है बोध स्वरूप है कोई कोई कहता है कि प्रमा बोध स्वरूप नहीं प्रमा का प्रमा शब्द इसलिए कहा जा रहा है ज्ञान शब्द कहेंगे तो भ्रम संशय में इसलिए प्रमाण जो है प्रमा का ही उत्पादक होती है संशय विपर्जय का तस्मात किसी के मत से बोध जो है क्या शब्द है कोई वृत्ति को कहता है कोई स्वरूप चैतन्य को कहता है तो देखिए अद्वैत वेदांत इसके बारे में क्या कहता है न्याय शास्त्र में तो प्रमा ज्ञान है और सबके सब सिद्धांतों के मत में प्रमा ज्ञान रूप ही किंतु ज्ञान विकास
इसके मत से तमा ज्ञान रूप है न्याय के मत से। वो न्याय में तमा आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसका गुण समवाय संबंध है ना। प्रमाण के द्वारा प्रमाण आत्मा में उत्पन्न और अनित वेदांत में ऐसा नहीं। वेदांत में क्या है तो ऐसा है कि प्रत्यक्ष जो लौकिक अनुभव है इसका कोई दार्शनिक अपराध नहीं करते हैं, इसकी उपपत्ति सब करते हैं। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ईश्वर नित्य है, इसकी चर्चा वेदांत प्रमाण में है, जहाँ लोग नहीं देखते हैं। तो सबको हम तो ये मान रहे कि ज्ञान उत्पन्न होता है और एक क्षण रहता है, नष्ट हो जाता है। ज्ञान अनित्य है, इसमें विवाद नहीं। ज्ञान उत्पन्न हुआ, विषय का संपर्क हुआ, चक्षुराज इंद्रियों से टाइम घटा, इस प्रकार का ज्ञान हुआ और एक क्षण के बाद ज्ञान जो है नष्ट हो जाता। अब कौन सा ज्ञान है जो उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, इसमें भी विवाद है। विवाद को छोड़िए, कोई कहता है कि एक क्षण उत्पन्न ज्ञान होता है और द्वितीय क्षण रहता है, तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगी है। आस्तिक दर्शन वाले लोग नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन कहता है कि नहीं, स्थिति क्षण नास्तिक, किसी भी पदार्थ की स्थिति क्षण नहीं है। ऐसा क्यों नहीं स्थिति क्षण है? यदि स्थिति क्षण नहीं है तो स्वयं घटा कैसे होता है? सदैव ज्ञानम इदानीं अस्माकं अधुना विजातम्, उसको वही ज्ञान अभी भी हो रहा है। ये पूर्व काल वृत्ति और उत्तम काल वृत्ति पदार्थों में जो प्रतिधि ज्ञान हो रहा है, ये प्रतिधि ज्ञान वस्तुना एकत्व मादाय पर्यवसास्य। जब तक से वस्तु एक नहीं होंगे तब तक के दोनों विज्ञानों की प्रतिज्ञा कैसे हो सकती? तस्मात् वस्तुओं के अक्षणिकत्व में प्रबल प्रमाण प्रतिधि ज्ञान मूर्धा विशिष्ट प्रमाण हो, ताकि स्तंभों को कोई अपलाप नहीं कर सकता। इस पर बौद्धों का कहना है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? गंगा के किनारे खड़ा होकर के हम लोग देखते हैं स्वयं गंगा एक ही दिन से नहीं अनादिकाल से हो रहा है। स्वयं गंगा तस्याम एव गंगा इदानीं स्नामि यस्याम स्नातम पूर्वम्, किंतु प्रकट है कि वो गंगा वहां की। कल जिस गंगा को देखे थे वो समुद्र में मिल चुके और नया नया जल प्रवाह आ रहा है। स्वयं दीप कलिका यह देखते हैं, देखते रहते हैं दीपक पर, और प्रतिज्ञान हो गई वही दीप कला है जो हम एक घंटा पहले देखे थे, बस आज भी देख रहे हैं। वहां प्रतिज्ञान तो है किंतु एकत्व है। खेल में भी एकत्व में भी एकत्व के प्रतिपादन प्रतिज्ञा कैसे होगी? कहा हाथी के प्रतिज्ञा अभ्रम है, आपको अभ्रम प्रतिज्ञा कौन है ऐसा दिखाइए? प्रतिज्ञा स्वयं घटा, ये तो विवादास्पद। स्वयं घटा में कभी निश्चित नहीं हुआ कि घट स्थिर है कि क्षणिक है, और कोई दृष्टांत नहीं। वेदा अक्षणिका सन्ति वेदे प्रमाणम नास्ति इति बोधा वदन्ति, तो ऐसा कोई दृष्टांत दीजिए जो प्रतिधि ज्ञान से एकत्व की स्थिति होती। तस्मात् ते वदन्ति प्रतिज्ञाया भ्रमत्वात् स्थिरतायाम वस्तु तो उनके मत से ज्ञान उत्पन्न होगा और दूसरे क्षण में नष्ट होगा। चाहे कोई भी ज्ञान ईश्वर नास्ते तो नित्य ज्ञान की चर्चे वहां में सर्वम क्षणकम क्षणकम प्रतिज्ञा करके जो बैठे करते हैं नित्य की कौन चर्चा है? प्रवाह रूपण नित्यता मानिए देवी केवल मानने की बात है। वस्तु तो गुण रूप जो है गुण रूप ज्ञान ये न्याय में प्रमा शब्द से कहा गया। वह गुण रूप ज्ञान चैतन्य है, जिद रूप है कि अचिद रूप है? तो आत्मा चेतन का है और आत्मा में चैतन्य है, वो चैतन्य कौन सा धर्म है? आठ विशेष धर्मों में तो चैतन्य नाम नहीं गिना गया है। और अत्या देवी कहेंगे ज्ञाने चैतन्य, तो ज्ञान चैतन्य रूप हुआ। चैतन्य चेतन क्यों कहा जाता है कि चैतन्य गुण योगा चेतनत्व। न्याय में कहेंगे कि जो चेतन चैतन्य गुण जिसमें विद्यमान हो उसको चेतन कहेंगे,
यदि ज्ञान है, चैतन्य ज्ञान जब चेतन है, चिद रूप है, उसमें चैतन्य तो रहेगा नहीं, तो उसको कैसे चेतन कहा जा सकता? एक प्रश्न होगा, कथनचित ज्ञान को चैतन्य मान भी ले तो मोक्ष काल में एक विंशत दुख ध्वंस होता है, तो मोक्ष काल के न्याय मन के आत्मा में चैतन्य कैसे रहेगा? अभी युक्ति लगाएंगे, युक्ति लगा करके गुणवत्ता चिंता भाव मान कर जैसे उत्पत्ति क्षणावच्छेद द्रव्य में गुणवत्ता ले जाते हैं, वैसे किसी तरह से वहां मान करते वो सब तो दर्शनों की अपनी युक्ति होती है। तो वेदांत तो वहां यह कहता है कि चैतन्य ज्ञान आश्रय तो आत्मत्व में मानने की क्या जरूरत है? ज्ञान रूपों में और आत्मा बोध रूप ही आत्मा है, बोध का क्या स्वरूप है? चित्तम बोधत्व, चित्त रूप ही बोध है। आपको ना होगा कि चैतन्य किसको कहा है, चैतन्य क्या है, बोध क्या है, का अर्थ प्रकाश तत्व, अर्थ का जो प्रकाशक है वो चैतन्य, अर्थ प्रकाश तत्व प्रदीप्ति, अर्थ का प्रकाशन जो है इस प्रकार का प्रकाशन जिसके द्वारा हो वो चैतन्य है। तो प्रदीप आदि में भी जाएगा, प्रदीप भी जो है प्रदीप ले आता है, अर्थ नहीं दिखाई देता तो घट पर को खोज लेते हैं। अर्थ प्रकाश तत्व मात्र कहे कहा नहीं, नहीं अर्थ विषय प्रकाश तत्व कही, तो प्रदीप का घट के साथ विषय विषय भाव संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, संयोग संबंध है ना प्रदीप प्रकाश है न तो विषय विषय भाव संबंध है। वह प्रकाश जो विषय का संबंध से अथवा विषय विषय भाव संबंध से अर्थ को प्रकाशन करे वो चिद रूप ज्योति कहना, ये वेदांतादि शास्त्रों में कहा अर्थ विषय प्रकाशत्व चित्व उसी को चैतन्य, विषय विषय भाव आया उस चैतन्य का और विषय के साथ कौन सा संबंध है जिसे चैतन्य का स्वभाव है विषय को प्रकाशित हो, विषय इसीलिए कह दिया कि कोई अनुमय आश्रय न दे कि चैतन्य प्रकाश करे तो विषयता आवे, विषयता आवे तो तब विषय लक्षण होती है, एक को लक्षण मान करते इसी तरह उसका समाधान किया जाए। थोड़ा सा गंभीर विषय 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 भाव ऊपर चर्चा है इसलिए प्रश्न है तो ज्यादा स्पष्ट होगा, अर्थ विषय प्रकाश वही बोध का स्वरूप ज्ञान, अब ज्ञान ही वेदांत में आत्मा कहलाता है, यहाँ आत्मा परमात्मा विष्ट है, एक आत्मा है उचित स्वरूप आनंद स्वरूप है ज्ञान व्यक्ति, किंतु चित्त स्वरूप की अभी चर्चा है। विषय प्रकाशक है, विषय कौन है? भ्रांतिकार लिखते हैं कि विषयवंती ज्ञान रूप आत्मा को जो अपने आकार में ढाल दे, अपने स्वरूप में निरूपणीय बना दे, वही विषय होता है। भी उपसर्गक सिंह बंधने धातु से अच प्रत्यय होकर विषय, विषय में खत होगा, विषयवंती में खत होगा, में सय का ही ग्रहण किया है, सिंह का ग्रहण नहीं किया है। तो विषय का अर्थ है कि ज्ञान को अपने आकार में आकार देने वाला घटपटादि वही विषय है, ज्ञान में विषय का लक्षण नहीं जाए, ज्ञान अपने में ही अपने आकार से वो आकार नहीं ढालता। तो ज्ञानेतर वस्तु विषय, विषय का सामान्य लक्षण है आत्मेतर ज्ञानेतर कहेंगे कि नई कहेगा क्यों सर्वम प्रमेय सभी विषय हो सकता है, सर्वम वाच्य ज्ञान का विषय ज्ञान क्यों नहीं, ज्ञान में भी विषय विषय भाव जाएगा। सुखी के प्रसाद में लिखा है वही तो प्रमेय तो का विचार आपको कहना ही होगा, कहाँ प्रमेय तो प्रमेय तो ना अस्विचेत आत्माश्रय, उसी तरह से परमेयत्व में ही परमेयत्व यदि कहेंगे तो परमेयत्व परमेयत्व कैसे रहेगा, यदि कहेंगे परमेयत्व दूसरा है उसमें तो आत्माश्रय जहाँ होगा वही अनन्याश्रय भी होता है, वही चक्रक भी होता है। और वेदांत में ऐसी बात नहीं, वेदांत
प्रमेय है ब्रह्म, प्रमेय तो धर्म उसमें नहीं, अप्रमेय ब्रह्म है। विषय जो होगा वह आत्मेतर वस्तु, चिदितर वस्तु, ज्ञानेतर वस्तु जो है वो विषय शब्द से पहला है। विषय शब्द हो गया विषय विषय भाव अर्थ घट के साथ, घट ज्ञान के साथ जो संबंध विषय विषय भाव सब वस्तुत अध्यारोपित अथवा नास्ते विषय ज्ञान में इसमें विभिन्न विभिन्न मत। विज्ञानवादियों का कहना है विषय और ज्ञान में जरा सा भेद नहीं, अभेद विषय का बाहर है केवल भीतर होने का मतलब भीतर का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान ज्ञान और विषय में अभेद। वेदांती और द्वैत कहता है कि ज्ञान और विषय में अभेद कैसे हो रहा है, जड़ और चेतन में कैसे अभेद हो सकता है, तो लघु का भविष्य दृष्टांत कोई नहीं है जो जड़ चेतन में भेद हो जाए। चैतन्य अलग होता है, जड़ चेतन में अभेद हो जाए, चैतन्य अलग है और विषय अलग है। तो कहते हैं भाषित ऐसे ही होता है, भाषित होता है अच्छा रूपे ना विभाषित भविष्य। जो अभेदन आपको लेना है तो सब ज्ञान में विषय आरोपित है, अध्यास है, तादात्म्य आरोप है। तो जो अभेद तादात्म्य आप वास्तविक ज्ञान और विषय का मानते हैं वो तो आध्यात्मिक विषय का प्रकाश हो गया। आपको यही ना चाहिए कि विषय का और ज्ञान का जब संबंध नहीं रहेगा तो प्रकाश कैसे होगा, ज्ञान के सब प्रकाश रहने पर भी उसके लिए अभेद बनाए। वेदांत कहता है कि अभेद वास्तविक मानने की जरूरत नहीं, काल्पनिक ना भी अभेदे न विषय विषय अभेदे न जरा अर्थ से प्रकाशो भवते तभी ज्ञान मध्य अभेदो व्यर्थ। न्याय कहता है कि अभेद तादात कहाँ से शुरू हो गया, बस वही वहिष्ठत्व घटा हम लोग कहते हैं आंतरिकत्व के ज्ञान मात्र वृत्ति धर्मत्व गुणत्व उपलब्ध थे तयोर मध्य तादात्म्य होता है। अतः सर्वथा भेद ज्ञान विषय सब संबंध विषय विषय भाव संबंध, और विषय विषय भाव संबंध जो है ये बहुत दुरुद्धर है। विषयता का खंडन, विषय विषय भाव का खंडन, खंडन मंडन बिना आरोप करते खाली संवाद से ज्ञान नहीं होता। संवाद से तो आप अपनी बात कहते गए, अपनी बात कहते गए, अपनी बात चढ़े, जब तक उसमें रसा कसी नहीं होगी, जब तक से नहीं होता है तब तक से। एक आचार्य की बात कहते कि तत्व निर्णय ही प्रमाणता, तत्व निर्णय है, तत्व में विवाद है, तत्व निर्णयों की कीमत है। खाली हम लोगों के आस्तिक दर्शन को आचार्य नास्तिक दर्शन तत्व निर्णय के लिए जरूर है किंतु तत्व निर्णय मोक्ष है, अमृतत्व की प्राप्ति मुख्य प्रयोजन है, अन्यथा तत्व निर्णय पर क्या करें, रुपया पैसा का निर्णय करेगा तो व्यवहार जगत कोई चुके तत्व आत्मा है कि मोक्षार्थम तब सोपन आत्मविद आत्मवेदन वाला सोप को तरता है, इसलिए दुखद निवृत्ति के लिए आनंदा राष्ट्रि के लिए अयम तत्व ज्ञान की बुभुत्सा आनंद की अवाप्ति भले सब दर्शनों में न हो किंतु दुखत्रया समाप्ति जो मोक्ष में है एक ऐक मध्य न है, चाहे वो बौद्ध हो चाहे न्याय हो, दुखत्रय का अत्यंता भाव आत्यंतिक दुख निवृत्ति सबके हम हाँ। इसमें एक छोटी सी बात बता देते हैं, हमको स्फुरित हो जाती है तो करे क्या, मोक्ष काल में आत्मा की अवस्थिति रहती है कि नहीं, बौद्ध लोग सीधे कहते हैं कि नहीं, आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, आत्म ही ज्ञान तो बंधन का है, कैसे जी आत्मा अपनी बंधन है, शरीर आदि संघात में रूप वेदना विज्ञान संज्ञा स्कंधादि समुदाय में आत्मा तो भ्रम हो गया, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है,
कि संघात जो अनात्मक वस्तु उसमें आत्मा का भ्रम हो गया, इसीलिए बंधन है, मोक्ष नहीं हो रहा है। जिस दिन आत्मा आत्मीय का प्रध्वंस मनी सिद्धि का नाश होगा उस दिन मोक्ष होगा। कौन सा मोक्ष होगा? आत्मा ही चला गया तो मोक्ष होगा। आत्मा रहे या चाहे जाए दुखत रहे कि निवृत्ति तो हो ही गई। आत्मा को पाना मोक्ष है कि दुखत रहे कि निवृत्ति हो। तो मोक्ष काल में यदि आत्मा नाश होता है अथवा आत्मा आनंद रूप प्राप्त होता है अथवा जड़ रूप आत्मा प्राप्त होता है न्याय मत दुखत रहे निवृत्ति में कभी कुछ फर्क सबके मत ही किंतु आनंद की अवाप्ति मानी जाए कि नहीं मानी जाए तो वैदिक दर्शन कहेगा कि नहीं मोक्ष काल में आनंद आता है। इसी प्रमाण से कहा जाएगा इतने ही तौर पर के आनंद रूप मोक्ष के पक्ष में। आपके सदानंद गुरु जी ऐसे कहेंगे आप इसे आनंद से बताएगा। अच्छा दो बात कहेंगे बारे में चला जाएंगे। ये जो सवाल पूछा गया कि बोध एवं स्वभाव प्रमाण कहा है ये कौन पुरुषों से किया, तो विस्तार रूप से उन्होंने चर्चा किया कि अगर प्रमाण शब्द का अर्थ नहीं ना होती है तो भी ना उसे निर्णय कर पाएंगे। तब साधारणतः तो प्रमाण शब्द तो वर्ण रूप में व्यवहार होता है सुखे इसी व्यवहार है कुमार में प्रमाण शब्द का व्यवहार बहुत स्वाभाविक नहीं है दार्शनिक ये कभी जरूरत भी होगा। लेकिन एक बात उन्होंने उठाया कि प्रमाण होने के लिए इस दृष्टि से उसको प्रमाण का साधु होने कारण होना चाहिए अथवा फॉरन होना चाहिए सर्वोच्च कारण होना ही चाहिए। थोड़ा से आपको चर्चा करना है जो बौद्ध दर्शन की है तो बौद्ध दर्शन के लिए बना बहुत मुश्किल है इसलिए उसको बौद्ध शब्द होना ही पड़ता क्यों ये साधन और फल में जो कार्योकारण भाव उसको ये समझ ले जो ही कार्योकारण भाव में कोई भगवत जो माना जाए तो एक क्षण में ज्ञान में प्रमाण होने और प्रमाण भाव कैसे होगा। इसलिए न्याय के लिए ग्रंथों का भर्तों का छुटका नहीं दिखाया वो कार्योकारण भाव से प्रमाण का भाव होता ही कैसे होता व्यवस्था को व्यवस्था हो ये तो आपको चर्चा की बात है। तो कार्योकारण भाव रूप से वरुण होगा कि वरुण कार्य रूप से होगा एक चर्चा का बात है। और वेदांतों के बारे में जो बात सुनाया तो बहुत स्पष्ट करके उन्होंने बताया कि ज्ञान शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता दूसरा दर्शन में जैसे होता वो स्पष्ट करने के लिए चैतन्य और ज्ञान ये दोनों एक ही वस्तु का अलग है किस अर्थ से ज्ञान भी चैतन्य हो सकता ये सब चर्चा तो लेकिन ये भी तो मानना ही होगा कि हम उपान को इस दृष्टि से देखें जो अर्थ का प्रकाश अवत्व कैसे कोई धर्म माने तो धर्म में नहीं आते धर्म में भी प्रकाश अवत्व प्रकाश सामर्थ्य प्रकाश मृत्यु कुछ भी हो सकता है। तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश आए वस्तु जो होगा तो प्रकाश रहे इसे वेदांत दर्शन में प्रमाण का मुख्य काम अर्थ का प्रकाश करना नहीं है वो तो सदा अवस्थित विभू ब्रह्म चैतन्य है केवल अविद्या के जो आवरण है उसको नाश कर देते हैं। उसको तो हमने बात वही हम संक्षेप में बोल बोल दिया वेदांत में जो स्वरूप चैतन्य है वो किसी का निवर्तक नहीं मनोगत जो मनोवचित चैतन्य है वो अनाकृत और मनोवचित चैतन्य का मन परिणाम की विशेष वृत्ति जब जब विषयाकार होगी विषय पर से आवरण हटता जाएगा और विषय अवचिन्न चैतन्य उसको प्रकाशित करेगा चैतन्य प्रकाश तो इसका मतलब दो लाइन चैतन्य स्वरूप चैतन्य न प्रवर्तक है न निबंधक तो तो तो
Sì, 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 sì